अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, शाख जगतियाल की जानिब से, हमारे आरडीओ मैडम से, साहिबा से हम लोग मुलाकात करते हुए जगतियाल ज़िले के अंदर चार कॉन्स्टिट्यूंसी के जो शादी मुबारक के जो चेक्स पेंडिंग थे पूरे मराहिल तय कर चुके, ट्रेजरी से बजट भी रिलीज़ हो चुका है बैंक को, लेकिन बैंक के अमले की जानिब से ताखिर की बिना पे ये चार कॉन्स्टिट्यूंसी के 167 बेनिफिशरीज़ की चेक्स पेंडिंग रहने से हम लोग यहाँ पर आरडीओ मैडम से गुज़िश्ता दिनों गज़िला कलेक्टर साहब से भी हमने रवि साहब से मुलाकात की थी, और आज हमने आरडीओ साहब मैडम साहिबा से भी मुलाकात करते हुए हमने मुतालिबा किया कि फौरन वहाँ पर जो ताखिर हो रही है बैंक के अंदर बैंक अमले की जानिब से, उसको ताखिर बिना किसी ताखिर के फौरन चेक्स जारी किए जाने का हमने मुतालिबा किया है, और हमारे आरडीओ मैडम साहिबा ने भी हमको तयकुन दिया है कि वो जल्द से जल्द हम लोग अहकाम जारी करते हुए हम लोग दबाव डालेंगे कि बैंक के अमले की जानिब से जो ताखिर हो रही है उसको ताखिर को ख़त्म करते फौरन चेक्स जारी किए जाएँ। और हमने यहाँ के मैडम साहिबा से, आरडीओ मैडम साहिबा से भी हमने शुक्रिया अदा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 167 जो बेनिफिशरीज़ है पूरे जगतियाल, धर्मपुरी, चुप्पादंडी और कुरुटले कॉन्स्टिट्यूंसी के शादी वहाँ के बेनिफिशरीज़ के चेक्स है जो गुज़िश्ता डेढ़ साल से जारी नहीं किए गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मुसलसिल हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके जो भी ये शादी मुबारक के जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें जारी कर रहे हैं उसको इस्तेफादा करें, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँचे जो भी स्कीम है उन तक पहुँचने के लिए हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम।